स्ट्रॉबेरी मिंट लेमनेड के लिए सबसे पहले हम मिंट सिंपल सिरप बनाएंगे। उसके लिए मैंने हाफ कप पानी लिया है और इसके अंदर मैं हाफ कप ही हनी डाल रही हूँ। आप चाहें तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हनी यूज़ कर रही हूँ। हाफ एंड हाफ का रेशियो है दोनों का। इसके अंदर मैं एक छोटी गड्डी पुदीना था मेरे पास, इसको मैं हाथों की मदद से तोड़ के और इसके अंदर डाल दूँगी। इसको मिक्स कर दें और अब इसको मैं बॉयल करूंगी और जैसे ही बॉयल आएगा इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे। ओके, इसके अंदर बॉयल आ गया, अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। उसकी लिड कवर करके अब 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको इसी पैन में छोड़ दूंगी। आफ्टर 15-20 मिनट्स इस सिंपल सिरप को हम स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे और ये जो मिंट लीव्स इसके अंदर बचे हैं इनको हम चमचे की मदद से दबा के इसका ऑयल रिलीज कर लेंगे ताकि सारा मिंट का फ्लेवर हमारे सिंपल सिरप में आ जाए। और ये आपका मिंट सिंपल सिरप तैयार है। ये मल्टीपर्पज सिरप है, आप इसको एक बार बना के फ्रिज में रख दें, 2-4 महीना ये कहीं भी नहीं जाने वाला, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और आप इसको अपनी ड्रिंक्स में इंक्लूड करें, इसको ऐड करें अपनी ड्रिंक्स में, बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर ऐड करता है। तो इसको अभी हम साइड पर रख के ठंडा कर लेते हैं। अब एक ब्लेंडर में ये मेरे पास 1 कप के करीब स्ट्रॉबेरीज हैं जिनको मैंने हाफ कर लिया है धो के, और इसके साथ मैं इसके अंदर ऑलमोस्ट 1/4 कप के करीब पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसकी हम बना लेते हैं प्यूरी। ओके, स्ट्रॉबेरी प्यूरी भी हमारी रेडी हो गई है, इसको भी मैं अभी साइड पर रखती हूँ। ओके, अब सर्विंग के लिए सबसे पहले हम ग्लास में डाल देते हैं ये जो हमने स्ट्रॉबेरी प्यूरी बनाई थी। तकरीबन अंदाजे से 1/4 ऑफ अ ग्लास हम प्यूरी डाल देते हैं इसके अंदर। इसके ऊपर जो हमने सिंपल सिरप बनाया था इसके अराउंड 2 टेबलस्पून अभी डाल देते हैं हम, बाद में हम चख लेंगे, अगर मज़ीद स्वीटनर की ज़रूरत होगी तो हम इसको और ऐड कर देंगे। अभी मैं 2 टेबलस्पून ग्लास में डाल रही हूँ सिंपल सिरप और इसके साथ 2 टेबलस्पून ही मैं इसके अंदर भर के लेमन जूस के डाल रही हूँ। 1/4 ग्लास के करीब ही ठंडा पानी, चिल्ड वाटर, एंड इसके साथ खूब सारा आप इसमें ऐड कर दीजिए बर्फ। मिक्स कर लेते हैं ताकि सिंपल सिरप, स्ट्रॉबेरी प्यूरी, लेमन जूस सारी चीज़ें अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं। फिर ग्लास को खूबसूरत बनाने के लिए हम इसको गार्निश कर देते हैं लेमन, स्ट्रॉबेरी। ये हमारी ज़बरदस्त सी चिल्ड रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक स्ट्रॉबेरी मिंट लेमनेड तैयार है। इसको आप इफ्तार टाइम पे बना के इंजॉय कीजिए, बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है और बहुत ही फ्लेवरफुल है। एक और बहुत ही ज़बरदस्त रिफ्रेशिंग ट्रॉपिकल ड्रिंक जो आप रमज़ानों में इंजॉय कर सकते हैं, पीना कोलारा। उसके लिए मैंने ये 1 कप पाइनएप्पल जूस ले लिया है। अच्छा, पाइनएप्पल जूस जो कैन में पाइनएप्पल्स मिलते हैं उनका मैंने जूस अलग कर लिया था और फिर इसके जो पाइनएप्पल्स हैं ये मैंने अलग कर लिए थे और इन पाइनएप्पल्स को मैंने फ्रीज़र में रख दिया था 1 घंटे के लिए। ये फ्रोज़न पाइनएप्पल चंक्स मेरे पास आ गए हैं, ये मैंने इसमें डाल दिया है। के अंदर मैं ऐड करूँगी, मेरे पास कोकोनट क्रीम है 1/2 कप, ये भी मैंने फ्रीज़र में रख दी थी तो ये भी थोड़ी सी जम गई है। तो हमने बनानी ही चिल्ड सी ड्रिंक है, ये सारी चीज़ें फ्रोज़न हो तो उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ब्राउन शुगर। आप हनी भी यूज़ कर सकते हैं एंड वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं और शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 2-3 टेबलस्पून भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है। एंड सम आइस, अराउंड 1/4 कप के करीब आइस है मेरे पास। क्योंकि फ्रोज़न है सारी चीज़ें इसलिए मैं आइस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रोज़न नहीं है तो फिर आप आइस ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को डाल के मैं ब्लेंड कर लूँगी। पोर कर लेते हैं अपने ग्लास में। ज़बरदस्त फ्रोज़न स्लशी काइंड ऑफ पीना कोलाडा अफ्तार के लिए आइडियल। Thank you.
से मैं इसके ऊपर ब्राउन शुगर स्प्रिंकल कर रही हूँ जस्ट टू ऐड सम कलर। पीना कोलाडा इज रेडी। सिंपल क्विक झटपट बनने वाली ये ड्रिंक रमजानों में अफ्तार टाइम के लिए परफेक्ट ड्रिंक है। बहुत ही सेटिस्फाइंग एंड फ्लेवरफुल। आप इसको बना के ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और फिर मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये ड्रिंक कैसी लगी। पसंद आए तो ये रेसिपी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।